माँ कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। 29 जून को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, रिवर्स गियर में चलेंगे। ज्योतिष में एक वो चाल होती है, कभी उसे डिटेल में बताऊंगा, और वैसे मेरी वेबसाइट प्रति विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी में उसके बारे में लिख रखा है। और तमाम देख रहा हूं मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर रखी है लोगों ने, इतना डरा रखा है वक्री शनि के नाम से, जबकि वक्री शनि अधिकतर केसों में शुभ होते हैं। धीमी गति से चलने वाला ग्रह और सचेत होकर जब चलेगा, जब आप धीमी गति से चलते हो, और उसके अलावा एक आपको और कंडीशन में कह दूं कि और सचेत होकर चलो, धीमी गति से चलो ही चलो अपनी गाड़ी से, और सचेत होकर चलो चारों तरफ देखते हुए, तो क्या कोई नुकसान हो सकता है, क्या कोई दुर्घटना हो सकती है? लेकिन तमाम धर्मावलंबियों ने इसके बारे में मजाक बना रखा है, तो आज उसी को बताएंगे। मेष से लेकर मीन तक का क्या प्रभाव होगा इस वक्रता की वजह से, और हर साल होता है, कोई नई बात नहीं भैया, जून से लेकर अक्टूबर तक हर साल शनि वक्री होते हैं, और यही वो टाइम होता है जब धन रुपया पैसा आप कमा सकते हैं बहुत, और नौकरी में तरक्की कर सकते हैं बहुत। वजह पूछे क्यों? शनि आदेश देने वाले नौकर की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, और जब वो वक्री होते हैं तो वो आदेश लेने वाले की जगह आदेश देने वाले बन जाते हैं। नौकर की संज्ञा मतलब आदेश लेने वाला भक्त, अब आदेश देने वाला अधिकारी बन जाते हैं। शनि वैराग्य संन्यास रुपया पैसा मोह माया से विरक्ति, इन सब की तरफ आसक्ति होने लगती है, जो कि कलयुग के लिए जरूरी हो गई है। तो आप ऐसे कैसे किसी भी ग्रह को वक्रता को खराब कह सकते हैं? वक्री ग्रह अपने कारकत्व खोता है। शनि का कारकत्व क्या है? गरीबों की सेवा, आदेश लेने वाला, धन वैराग्य संन्यास, धन से कोई मतलब न रखने वाला। तो अगर इसके उलट हो जाए तो चीजें ठीक है ना, बस गरीबों की सेवा करते रखिएगा। तो शनि की वक्र दृष्टि कोई भी किसी तरह का संक्रमण नहीं है, और निश्चित तौर पर जो लोगों ने फैला रखा है उससे हमें निकलना होगा। शनिदेव कर्म को नियंत्रित करते हैं, जो वक्र दृष्टि हो जाती है तो व्यवहार का जायजा और बेहतर तरीके से लेते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रकाश में चीजें आती हैं, उसी के साथ साथ जहां तक कर्मों की बात करें तो अच्छी चीजें हो जाती हैं। हम केवल ट्रैक पे रहते हैं। शनि प्रतिगमन को वास्तविकता की जांच भी कहा जाता है। कहते हैं जो रियलिटी जीवन में है ना, उसकी सुपर रियलिटी से आमना सामना होता है। तो यही वो चार महीने का रहेगा दिन समय जब आपको रियलिटी से आमना सामना होगा। तो पुरस्कार भी मिलेगा, और जो लोग गरीबों की सेवा नहीं करते उनका तिरस्कार भी होगा। तो ध्यान रखना होगा शनि की वक्रता और गोचर के बारे में बहुत जो चीजें हैं उसको आज डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मेष लग्न मेष राशि वालों की, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे हुए नंबर पर 9620164207 पर कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज डालकर बुक कर सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, मेरे ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे मेरे लिंक्स दिए गए हैं, फेसबुक के, ट्विटर के, व्हाट्सएप के, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपडेट पा सकते हैं। सर्वप्रथम बात मेष लग्न और मेष राशि वालों की, राशि चंद्र राशि की बात कर रहे हैं भाई यहां पे। तो यहां की अगर देखा जाए तो 11वें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, वहां से वक्रता होगी और दशम की तरफ कोशिश करेंगे जाने की, जाएंगे नहीं। क्या होगा इसका प्रभाव? 11वें भाव पे अगर जब शनि की वक्रता होती है तो ज्योतिष कहता है कि संतान सुख देते हैं, धनवान बनाते हैं, कुटिल और चालाक बनाते हैं, शेयर मार्केट से लाभ दिलाते हैं, आयु अच्छी करते हैं, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं लाभ धन प्रतिष्ठा सामाजिक प्रतिष्ठा भैया बढ़ने जा रही है, जीवन बेहतर होने जा रहा है, मित्रों से सहयोग मिलने जा रहा है, और खास तौर से लाइफ में, करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, प्रमोशन के क्षेत्र में पदोन्नति के संकेत इन चार महीनों में दिखते हैं। जबरदस्त घर गाड़ी बंगले खरीदने के योग बनते नजर आते हैं, और इस दौरान अच्छा धन अर्जन भी आप करते हुए दिखते हैं। अब बात वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों की,